क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था कि जा रही हो तो पलट के मत देखना, क्यों आई हो? मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई और आपको सब कुछ बताने मैं के लिए आई। एक कदम भी नहीं पड़ने दूंगी अपने घर में। जो तुम कर गई हो उसका खुमियाजा पता नहीं कितने सालों तक मुझे भुगतना होगा। लोगों के ताने सुन रही हूँ। आज मैं सबसे शर्मिंदा होती हूँ कि क्यों मैंने अपनी सब औलाद में से तुम पे भरोसा किया, तुम पे अपनी सारी मोहब्बत लुटाई। तुम जितनी देर मेरे सामने रही मैं उतनी देर अपनी माँ का भी पछताती रहूंगी। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। आप मामा से कहे कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक वो मुझे माफ नहीं कर लेती। मैं कुछ नहीं कहूंगी इन्हें। तुम्हें एहसास भी है क्या हालत बनाती है तुमने इनकी? आखिर चाहती क्या हो तुम अंबर? जो तुमने करना था ना तुम कर चुकी हो। अब जाओ अपने उसी घर में, उसी शख्स के पास जो तुम्हें सबसे अजीज, जिससे रिश्ता जोड़ने के लिए तुमने हम सबसे रिश्ता तोड़ दिया। माफ कर, अगर ये तुम्हारी पसंद की शादी होती ना तो मैं माफ कर भी देती अंबर। ये सोच के कि इस उम्र में इंसान गलतियां कर लेता है, इंसान अपनी ख्वाहिशात के आगे मजबूर हो ही जाता है। लेकिन तुम्हारा कसूर सिर्फ ये नहीं है अंबर कि तुमने अपनी पसंद को अपनी माँ की खुशी से बढ़ के समझा। तुम्हारा गुनाह ये है कि तुमने अपनी पसंद अपनी खुशी को हासिल करने के लिए ये तक भूल गई कि उन लोगों के हाथों हमने क्या क्या जख्म खाए हैं। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की है उस औरत ने जिसके बेटे से तुमने रिश्ता जोड़ा है। उस घर से बेघर किए गए हम लोग, जिस घर की तुम बहू बनी हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें बेटी मान के गले से लगा लूंगी? मेरे लिए सिर्फ अब तुम अनिला और सादिक की बहू हो, उस घर और खानदान का हिस्सा हो जिसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेंगे। सुना तुमने?